आप जानते हैं यदि इंडिया में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बाद सबसे ज़्यादा डेथ किसी से होती है तो वो है रोड एक्सीडेंट। हर साल इंडिया में हज़ारों लोग अपनी जान रोड एक्सीडेंट्स में गंवा देते हैं, और शायद यही कारण है कि जब बात होती है रोड एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वाले लोगों की तो इंडिया का नाम 60th नंबर पर होता है। पर हम सभी का ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी एक्सीडेंट में यदि इंजर्ड पर्सन को सही टाइम पर सही हॉस्पिटल ले जाया जाए या फिर इमरजेंसी में उसे सही तरीके से ट्रीट किया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो आखिर इमरजेंसी में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, हम ऐसे एक्सीडेंट्स में किस तरह के स्टेप्स लेकर किसी भी पेशेंट की जान बचा सकते हैं, इन्हीं सभी सवालों पर बात होगी आज डॉक्टर रजनीश कछारा से। हेलो इंदौर, मैं हूं मनस्वी और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक पावर्ड बाय मेदांता इंदौर। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ टॉक सीरीज में। मैं डॉक्टर रजनीश कछारा, न्यूरो साइंसेज हेड मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर। और मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक्सीडेंटल और ट्रॉमा इमरजेंसीज में काफ़ी आगे निकल चुका है, और ये हमारी टीम है। आई एम न्यूरो सर्जन हेडिंग द टीम। न्यूरो सर्जन है डॉक्टर अपुलक, और ये हमारी क्रिटिकल केयर टीम है। वी हैव द बेस्ट न्यूरो क्रिटिकल केयर टीम एंड ट्रोमा इमरजेंसीज एंड इज ऑर्थोपेडिक। तो जो भी इमरजेंसीज ट्रोमा पेशेंट्स आते हैं उनके लिए एक बड़ा टीम चलती है, मल्टी डिसिप्लिनरी जिसको बोलते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी में सबसे ज़्यादा खतरा जो है किसी भी ट्रोमा में ब्रेन इंजरी से होता है। तो ब्रेन इंजरी में न्यूरो सर्जन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो हम देखते हैं जो ट्रोमा आता है वो खास तौर से फ्रैक्चर्स वगैरह, ये कुल्ले का फ्रैक्चर, हड्डी का, तो ऑर्थोपेडिक इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल सर्जन, एब्डोमिनल ट्रोमा कुछ हो गया, चेस्ट फिजिशियन, चेस्ट सर्जन, चेस्ट के ट्रोमा के लिए हम रखते हैं, और प्लास्टिक सर्जन। तो ये सारी टीम हमारी बिल्कुल कंप्लीट है। कोई भी इमरजेंसी ट्रोमा एक्सीडेंट आया तो ये सारी टीम एक्टिव हो जाती है वहाँ से घुसते से। सर, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसमें सबसे पहले किन स्टेप्स का ध्यान रखा जाता है ताकि पेशेंट को बचाया जा सके? कोई भी मेजर पॉलीट्रॉमा होता है या सीरियस एक्सीडेंट होता है तो उसमें तीन चीज़ों का सबसे बड़ा अपने को ख्याल रखना है पेशेंट को जैसे ही ना। उसमें मैंने पहले बताया आपको ABC में उसका एयरवे प्रोटेक्शन कैसा है, उसका सांस लेने का तरीका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, और उसका सर्कुलेशन मेंटेन है कि नहीं, उसका हार्ट रेट, उसका ब्लड प्रेशर वो मेंटेन है कि नहीं, ये सब चीज़ें पहले हमको स्टेबलाइज करना पड़ता है। और उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिसस्टेशन। अगर पेशेंट हार्ट रेट बहुत कम है, उसका ब्लड प्रेशर नहीं है, सांस लेने में दिक्कत है, तो ये सारी चीज़ें पहले स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक बार स्टेबलाइज होने के बाद में वी हैव टू सी हिम क्लिनिकली कि कौन सा उसका सिस्टम अफेक्टेड है। सिर में चोट लगी है या फेस पे लगी है, चेस्ट में लगी है, एब्डोमेन में, और या पैरों में बोन्स के फ्रैक्चर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक बार वो स्टेबलाइज हो गया हमारा रेसिस्टेशन से कि उसका एयरवे प्रोटेक्टेड है, उसका ब्रीदिंग प्रोटेक्टेड है, उसका सर्कुलेशन मेंटेन है, तो फॉर इमीडिएट थ्रेट नहीं है उसको। लाइफ थ्रेटिंग सिचुएशन की है कि वो ही कैन डाई अगर ये चीज़ नहीं मिले उसको, उसके बाद हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हेड इंजरी है तो सीटी स्कैन वगैरह, हेड इंजरी सबसे सीरियस होता है। अगर उसमें सीरियस चोट है, कोई क्लॉट बना है, ब्रेन में सूजन है, यहाँ पे फ्रैक्चर है, तो वो तुरंत अगर सीटी स्कैन में प्रूव हो गया तो हम तुरंत उसको सर्जरी के लिए लेते हैं एज ए लाइफ सेविंग सर्जरी। सर, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में किसी भी पर्सन के कौन से बॉडी पार्ट जो है वो ज़्यादा इंजर्ड होते हैं? हाँ, एक्सीडेंट में किसी भी पार्ट को चोट आ सकती है, और डिपेंडिंग कि क्या उसका जो शरीर का हिस्सा कौन सा एकदम से कोलिजन हुआ है उसका, तो जैसे हेलमेट नहीं लगाया है और रोड पे गिरा है तो सिर में सबसे ज़्यादा चोट आएगी, पर कोई भी शरीर का हिस्सा उसमें चोटग्रस्त हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से हिस्से को ज़्यादा चोट लगी, वही हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसको कि कौन से ज़्यादा, उसका असेसमेंट करके उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जिस हिस्से में ज़्यादा चोट है जिसको इमरजेंट सिचुएशन में उसको ट्रीटमेंट करना है, जैसे हेड इंजरी हुआ या चेस्ट में जो ब्लड भरा है या एयर भर गया है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमरजेंसी होती है, तो उसको तुरंत, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग होता है उसमें, वो अगर टाइमली मैनेज नहीं किया तो पेशेंट का जान चला जाता है, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑर्गन जो है डिसाइड।
सर, क्योंकि अभी आपने टाइमली मैनेजमेंट की बात की तो मुझे लगता है ये सवाल बिल्कुल पूछना बनता है कि किसी किस तरह टाइमली अगर हम किसी पेशेंट को ट्रीट करें तो उसकी लाइफ को बचाने में कितनी हेल्प हो सकती है। जैसा मैंने बताया आपको कि टाइम से इम्पोर्टेंस है, एक तो ABC जो मैंने आपको बताया, अगर टाइमली उसको एड ना मिले तो वो ABC से ही आदमी मर जाएगा अगर उसको एड नहीं मिला तो। कि रोड साइड पर जैसे पड़ा रहा एक्सीडेंट होने के बाद में, कई पेशेंट होते हैं कि रास्ते चलता कोई मिला ही नहीं उस रोड पे, कि सुनसान रोड है, कुछ पता ही नहीं चला, वो गिर गया, बाइक चला चला स्लिप हो गया, सिर में चोट लगी, बेहोश हो गया, पड़ा रहा आधे पौने घंटे तक, एक घंटे तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, उसका ब्लड प्रेशर ठीक से मेंटेन नहीं हुआ, और कहीं कोई पार्ट से ब्लड रक्तस्राव होता रहा तो ब्लड उसका काफ़ी लो हो गया बॉडी में, तो ऐसे पेशेंट को अगर एड नहीं मिले तो वो नहीं बचता है। अगर उसको तुरंत एड मिले, तुरंत हॉस्पिटल सर्विसेज पहुँचे, वहाँ पर फर्स्ट एड मिले और तुरंत उसको कोई हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए तो ये सारी चीज़ें रिस्टोर हो सकती है उसकी, उसका एयरवे प्रोटेक्शन आ सकता है, उसका ब्रीदिंग वेंटिलेटर पर तुरंत डालते हैं, उसका ब्रीदिंग सिक्योर हो जाए, उसको IV फ्लूइड्स लगा दें, उसका ब्लड हम तुरंत अरेंज करके चढ़ा दें, तो वो सारी चीज़ें एक बार ठीक हो सकती है। सर, ऐसे एक्सीडेंट्स वाली जितनी भी इमरजेंसीज होती हैं उनको ट्रीट करने में, ऐसे पेशेंट्स को बचाने में कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किस तरह वैल्यू ऐड करते हैं? देखिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और ट्रोमा इमरजेंसी ऐसा चीज़ है उसमें सारे ऑर्गन कई बार अफेक्ट होते हैं, तो सारी टीम, सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होना ज़रूरी है, कि खाली न्यूरोसर्जन ही होगा कि उससे काम चल जाएगा ऐसा नहीं है, कि उसमें न्यूरोसर्जन भी चाहिए, उसमें क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट चाहिए, ख़ास तौर से रिसस्टेशन, उनका चेस्ट एयरवे मैनेजमेंट, उनका ब्लड सर्कुलेशन, वो सारा पार्ट देखने के लिए ऑर्थोपेडिक वाले चाहिए, हमको जनरल सर्जन चाहिए, प्लास्टिक सर्जन चाहिए, तो इतने सारे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच बहुत ज़रूरी है उसके लिए, सारे स्पेशलिस्ट चाहिए उसको ट्रीट करने के लिए। सर, एक और सवाल जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक्सीडेंट्स की बात करें कि कई बार लगातार लोगों को अपील करने के बाद भी, बोलने के बावजूद लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, तो उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलमेट से सेफ्टी है, सीट बेल्ट लगाने से सेफ्टी है, कार में चला रहे हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं तो काफ़ी चीज़ें बचती है उससे, हेलमेट लगाते हैं तो सिर की चोट कम से कम, जो कि कई बार बहुत गंभीर होती है, सिर की चोट, जो हड्डी के फ्रैक्चर्स हैं, बोन्स के फ्रैक्चर्स हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उसमें पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल, उसका वेलबींग वगैरह डिस्टर्ब नहीं होता है, बट सिर की चोट अगर लगी है गंभीर है तो कई बार जान भी बचाई जा सकती है, पर कभी उसको पैरालिसिस रह सकता है, कब उसका जैसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाता है, वो जो चोट के पहले जैसा बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में था वैसा कई बार नहीं हो पाता है, तो सिर की चोट बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हेलमेट उसमें काफ़ी कारगर होता है। सर, आप कितने ऐसे केसेस देख चुके हैं जिसमें आपने देखा हो कि हेलमेट के कारण कई लोगों का मतलब इंजरी कम हुई या उनकी जान बच पाई? अभी तो जो जितने बाइक एक्सीडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास में, कोई बिना हेलमेट, सब बिना हेलमेट वाले, और ज़्यादातर बाइक एक्सीडेंट बाइक टू बाइक या बाइक स्लिप होकर रोड पर गिरा या डिवाइडर से हाई स्पीडिंग, तो सिर की चोट ज़्यादातर उनको लग रही है बिना हेलमेट वालों को, और मेजोरिटी जो आ रहे हैं वो बिना हेलमेट वाले हैं, और कुछ पेशेंट हैं जो हेलमेट वाले थे तो उनको सिर की चोट नहीं लगी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हेलमेट लगाया और किसी सिर की चोट बच गई तो वो लाइफ थ्रेटनिंग उसका पार्ट कम हो गया। सर, क्योंकि इतनी बड़ी टीम काम करती है किसी एक पेशेंट की जान बचाने के लिए, तो मैं आप चाहूँगी कि इंदौर की जितनी भी ऑडियंस है उसके लिए आप कोई मैसेज दें इस पर। मैसेज यही है कि जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो तो जो भी राहगीर है या आसपास वाले हैं या उसके साथ वाले हैं, तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसको तुरंत ले जाएं, जो कि इमरजेंसी उसका ट्रीटमेंट हो सके, बाकी जब स्पेशलिटी के हिसाब से उसको कहीं भी मेजर हॉस्पिटल में ओपन शिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरा मैसेज ये है कि ख़ास तौर से बाइक एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखे गए, तो अगर बाइक राइडर्स जो है रेगुलर हेलमेट लगाना चालू करें तो अपन हेड इंजरी को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी, क्योंकि एक बार सिर की चोट अगर हो गई तो कई बार वो नॉर्मल नहीं हो पाए कभी लाइफ टाइम। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसाइंसेज एंड क्रिटिकल केयर मेदांता की ओर से मेरा पहला मैसेज तो सभी के लिए ये है कि जितनी सावधानी बरत सकें, इसको हम अवॉइड कर सकें, रोड ट्रैफिक नियम्स को माने, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, वो सबसे ज़रूरी है। फिर भी अगर कभी ऐसी दुर्घटना होती है, सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल लेकर जाएं,
और अगर आप ला सकते हैं तो ऐसे हॉस्पिटल में लाएं जहां पर आपको एक ही छत के नीचे ना सिर्फ सारी स्पेशलिटी की सुविधा मिले, तमाम इन्वेस्टिगेशंस वहां पर हो सकें और ऑपरेशन की व्यवस्था तुरंत हो सके। उसके बाद हमेशा एक पेशेंट को आगे की भी ज़रूरत होती है। ऑपरेशन कर दिया, पहले लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को हमने हटा दिया, लेकिन उसको हमें अस्पताल से स्वस्थ बाहर भी भेजना है, जिसके लिए हमें बाकी डिसिप्लिन की भी ज़रूरत होती है, क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है और साथ में एक रीहैब फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि पेशेंट को हमने लिया, उसकी लाइफ जान बचाई, बस हमें उसको अस्पताल से वापस एक प्रोडक्टिव लाइफ में भेजना है। तो ऐसे अस्पताल को चुने अगर कर सकते हैं जहां पर ये सारी सुविधाएं एक रूफ के नीचे हैं, वो एक पेशेंट को वापस प्रोडक्टिव लाइफ में पहुंचाने में अच्छा होता है। मेरा मैसेज ये है कि हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स डू सेव लाइफ्स, तो प्लीज़ उन्हें यूज़ करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और ऑर्थोपेडिक इंजुरीज जो हैं, स्पेशली लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर्स, कई बार लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं, तो उसके लिए इमरजेंट हॉस्पिटल पहुँचे, नियरेस्ट हॉस्पिटल। और जैसा कि सर ने बताया, अगर पॉलीट्रॉमा है तो ऐसे कहीं हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, सारी स्पेशलिटीज़ एक साथ अवेलेबल हो, तो आपका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है, किसी तरह का डिले नहीं होगा ट्रीटमेंट में, तो आपका बेस्ट आउटकम मिलेगा हमें। तो आज के वीडियो में हमने डॉक्टर रजनीश कछारा और उनकी पूरी टीम से बात की और जाना कि आखिर इमरजेंसी में किसी पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। साथ ही हमने टीम से बात करके ये भी समझा कि यदि एक्सीडेंट से जुड़ी कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो हमें तुरंत कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। ऐसी ही इमरजेंसी से जुड़ी बात होगी हमारी स्पेशल सीरीज हेल्थ टॉक में, पावर्ड बाय मेदांता इंदौर।